किसते दरवाजे ते गए। मौला अली ते मंगन की गए सच्चे मंगन की गए सच। तो फिर ते नजे नहीं समझ आया कि सच नबीनवी ची लोड़ पै जाए, नबीनवी सच दी लोड़ पै जाए तो अली दे कुए तो लग। हुसैन हां भाई सारे बोलो सर्दी लै जाए है और वादा हुला शरीफ की कसम अब ना ना वाह अब ना रसूल ये तो अली दे बेटे ने हसन हुसैन। अल्लाह की क्या अल्लाह क्या तेरे बेटे ना को दाद दिया जी बात खत्म बस छोड़ छोड़ बिल्कुल चुप करके सुन लिया जी की फर्क की पाएगा सुन देते हो पाए बात सुन लेना है कोई दाद एक हौसला अफजाई होंगी एक मोहब्बत होंगी जनाब मजलिस का एक माहौल रिवाज बन गया दाद वरना दाद को मजलिस का हिस्सा नहीं मजलिस का हिस्सा है कि मुफक्कर फिक्र देवे सोच देवे ये है मजलिस ए हौसला अफजाई एक माहौल की लुत्फ है बस इस तक ना दिया जे दाद इस लफ्ज की दाद दे दिया जे बात खत्म हो गई। गुजारिश है मैं रियाज हुसैन शाह इबन सैयद नदर हुसैन शाह साबक रहायश रतवाल हर रहायश इस्लामाबाद ये वीडियो अल मेरा मुँह है मैं अपना खून माफ कर देंगा मेरी औलाद मेरी कौम एहतजाज नहीं करेगी टहर नहीं साड़ेगी। शिया अगे मेरी इल्तमास है कि अगर मैंने कोई दुनिया का बंदा झूठा साबित कर दे बेटी ली जानी सी निसाद का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि मुंह बंद हो जाए गुंजाइश और अनफोसना मौला अली जान नफ्समाना जान यानी कि पैगंबर अपनी जान बना के अली ले गए हाय हाय और निसा की जगह जनाबे तुसी बोलो जनाबे सही ना और अबनाना की जगह हसन आओ माशाल्लाह बड़ी सोहनी बात हो गई कमाल हो गई एडी सोहनी गल समझी बड़ा लुत्फ है ओहो पीर करम शाह साहब बेरे आले जिन्हों का 19 और 20 उर्स हों बेरे चे इत लाहौर च मैं पढ़िया बोर्ड लगे है इतने भी उन्होंने मुरीद ने लाहौर चो पूरे बल्कि पूरे मुल्क चो उन्होंने मुरीद ने बल्कि पूरी दुनिया चो उन्होंने मुरीद ज़ियाद दौरे वो शरी अदालत दे सब तो वड्डे जज रहे चीफ पीर करम शाह साहब भेरे हाल हाँ उन्होंने भी तफसीर लिखी है ज़ियाउल कुरान उन्होंने थोड़ा जहा इस तरतीब न बदले है खामोशी ना बिल्कुल खामोशी और तवज्जो उन्होंने इस तरतीब को किवें बदले है एक बार जरा पहली तरतीब ज़हन में नशीन करो पहले मुफस्सरीन ने की लिखे है अब नाना उजा बोलो हसन और हुसैन निसाना अनफुसना मठी बस मैं हूं मुतमैन हो गया पीर करम शाह साहब ने थोड़ा जहा इस बदले है उन्हें लिखा है अनफोसा ना की जगह खुद गए ने अनफोसा ना की जगह खुद गए आप बताते खुद बनफते नफते और निशाना की जगह बतूल और अबना ना की जगह अली हसन हुसैन हूं एक होर तकरीर चाहिए उत्थे बैठक च बैठ के इतने नहीं चाहिए जी रतो वाली है
वरना दूसरा आदमी इस तरह बात नहीं करता, वो कर देता है। रतवाड़ी असूल दी जाकरी की थी, ये दिल से दुखाना नहीं किसी का कि पीर करम शाह साहब ने अली अलैहि सलाम नो अनफोसा ना चो कढ के अबनाज क्यों पाया। ये गल उथे बह के करना ली है, इतने स्पीकर से नहीं करना। क्यों? जिसे किसी का दिल दुख जाएगा फिर तू गु आएगा नहीं, ते दिल तो दुखाना नहीं। मैं सारी दुनिया के ताने चल लेना, मैं किसी का दिल नहीं दुखांदा। मैं अपने अंदर बर्दाश्त कर देना, मैं मालक ने मलका दिता है, मैं अपनी जात ते गया, मैं हौसला अल्लाह ने दिता है, मैं ताने सुनता रहना लोगों के। ओ जी बाड़ियां मिठियां कर दे, ओ जी बाड़ियां मिठियां कर दे, ओ जी थोड़ी बिज बिज कर लिया करो। नहीं नहीं, तबलीग नहीं रहेगी, सख्ती की क्या तबलीग खत्म हो जाएगी, दावत फिक्र खत्म हो जाएगी, यक तरफा ट्रैफिक चल जाएगी। एक बारी सब सब आम सुनी शिया सब मुसलमान सुने नबी का कलमा पढ़ने वाले भाई भाई, छोड़ो लड़ाइया, नफरत खत्म कर। उन्होंने अनफोसा ना चो मौला रीन कढ़ के मैं मुतमिन करो, कितने पाया अपना चो। मैं क्या अली बेटे बन के गए, अगे दैश मारिए, दैश दैश मार के लिख देने के बाद लोग कहेंगे कि अली बेटे तो नहीं थे, अली तो दामाद थे। अगे जीम पा के फिर अगे दा क्लियर किया इसनों कि शुरफा दी बोलो जरा उच्चा बोलो तो नहीं नहीं है लफ्ज़ बोलो ना, शुरफा के नजदीक शर्त ला देती कि हर बंदे दे नजदीक ना। शुरफा के नजदीक दामाद बेटा ही होता है। मैं शिया मैं जाकिर हूं, सारी दुनिया में पता है मैं शिया मैं जाकिर, मैं शिया के सामने बह के ए दुआ प्या मंगना, पीर करम शाह साहब अल्लाह तेरी कबर ते रहमत करे, मजहब अपनी जगह, मेरा दिल खुश कीता ही, मेरा हां ठारे आई, 1400 साल का रौला मुकाए आई। पीर करम शाह मैं तेन कितनिया दुआई दया, कसम कुरान दी, पीर करम शाह लिखे है शुरफा के नजदीक दामाद बेटा ही होता है। गल मुक गई, जे को होर भी दामाद होंदा, नहीं समझ आ रहा है यार मेरे। हां भी सारे बोलोगे है दरे ना, कोई गल की समझ आई कि कोई नहीं, जिमें जिमें गल टुटती है पई कोई नतीजा निकलता है तो फिर ए जाकरी है, मेरा सुनना तो पढ़ना तो जाकरी कोई, ये तो वह शहर आई जिथे आफस कफायत सह नशरे पढ़ता, 32 अशरे आफस साहब एक कैद से पढ़े हैं, 32 अशरे। हूं एक महिला चो खजीब 36 ऐदा पढ़ के लादा, क्यों होया ऐसा तुहाडे नाल, ये तुसा खुद कीता है, तुसा अपना जौके समात कटाया है, अगले मौका मिल गया। शहर आई जिदे किबला जैदी साहब जैसा खतीब पैदा होया। इतने मौली मोहम्मद शीर फाते टैक्सला दे अशरे पता है कितने ने, निसार हवेली असी जे बच्चे सां तो असी सुन लगे हाँ, तो आखिरी अशरा भी उत्थे पढ़ के। क्यों यकदम साढ़े नाल धोखा होया है मिंबर तो, साडा जिहड़ा मिंबर इलम तो खाली क्यों हो गया है, दलील तो खाली क्यों हो गया, कौन मुजरम इसका, कभी तलाश किया है तुसा? गुस्सा ना करे जी मेरी गलत, थोड़ा अपने आप को वापस ले आओ, आने वाली नस्ल को की दोगे? कितने निकले पूरे मदीने चो, कहीं बोली जो तुम बोलो
आओ पहाड़ की चोटी से पादरी बैठे अं पांच निकले उस कौम ने आख्या मुबाला ना करे है सच्चे हाँ जाओ माफी मंगो कुछ पादरी थले आए पहाड़ी तो थले लथे हजूर रुक जाओ हजूर रुक जाओ बस बात खत्म हजूर कोई मुबाला नहीं कोई मुबाला कुछ नहीं कुछ नहीं हजूर सिर्फ ना यह साढ़े को तारीख की किताब है जिड़े जिड़े तुहाडे नाल ने इन्हां दे नाम दर्ज करा दो ताकि साडे कोल सच्चियां दा रिकॉर्ड होवे कल होर कोई ना साडे ते चढ़ जाए मैं भी सच्चा हजूर ने आख्या मैं मोहम्मद मेरा भाई अनफोसा ना अली अबना ना मेरे बेटे हसन और हुसैन पादरी अखी तेहत रखे उसे कहा जी तुहाडे नाल कोई पर्देदार भी है फरमाया हां मेरी जी फातिमा मेरी जी फातिमा सलाम ही रो पिया पादरी रो पिया आओ बिस्मिल थोड़ा जा साहब तुसी ही बता दो मैंने शिकवा कर देने ते मैं थोड़ा जा तकरीर ज्यादा कर रहा हाँ साहब थोड़ा इन्हों का शिकवा अच्छा मेरी धी बोलो पादरी दी चीख निकली कौम पूछया की होया उसे क्या पूछो की नहीं होया असी गलती कर बैठे हाँ असा उन टोरिया है जिड़ी कदी घर तो वह बिस्मिल बेटा मौला तेरी जिंदगी करे मैं फौरन उसने अपनी चादर बिछाई कम नु आखन लगा जो कुछ किसे कोल है फौरन इधर उन्हें क्या किदे करना ही आखिर मोहम्मद दी दीन उन्हें क्या कि तौहीन हो गई है बिस्ती हो गई है मोबाले चो हर गए हैं किते ही नहीं दुश्मन दी धी है माल ना दे पादरी रो के आंदा है मैं तुहाडा आलिम हां मैं तुहाने एक हुक्म दे चले ईसाइयां आओ कयामत तक मेरी गल याद रखे धी भावें दुश्मन दी भी तुर के आ जाए ना खाली ना रो जाए इस तरह माल इकट्ठा किया एदे पंज खड़े आन हाथ एदे किया मूह एदे रखे आंदा तुसी जिते असी हारे तुसी सच्चे असी झूठे यह है थोड़ा यह बतूल दे कदम का भी हदिया नहीं
मगड़े थोड़ा कबूल कर लाए ते इन लै के तुर जा, एक कदी खलोती है जिन तू मैदान खलवा। मेरी शेर सुनी भाई, लड़िया मसले हल नहीं होंगे, ये तो बात कीतिया मसले हल होंगे, सच टूटना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। पैगंबर ने वो माल लिया, फिर मैं बेटा लो बाबा मैं मंगिया तो नहीं, फिर मैं मंगिया मैं भी नहीं, उन्हें साडा असूल है असा धी खाली कदी नहीं तो। हिसाई वाह गल प्यार नाल मुहब्बत नाल करांगे, किसे तक पहुंचेगी तो को मनेगा, भी पहुंचेगी नहीं तो मनेगा। भी पाक फरमाया बाबा ना मेरा हया किया, फरमाया हां बेटा तेरा हया। फरमाया बाबा माल तुसी मदीने दिया गरीबां दे देना, ते इस माल दे बदले मेरा एक कम कर दो कि फरमाया अपने साथियों बिठा के उन्होंने वाकया सुनाया है, मेरे नाल फातिमा गई है, उन्हें ज्यादा देर खलवाई भी नहीं, थोड़े बंदे समझे उन्हें खाली भी नहीं टू, उन्हें गवाह भी है। गुजारिश रसूल दी धी की गल है, किसी शिया सुनी दी धी की गल है, तेरी धी का एहतराम है, मेरी धी का एहतराम है, जिहड़ा ना करे अच्छा नहीं लगेगा। क्या रसूल दी धी का मकाम ही कोई? मैं पांच या सात मिनट दी ज्यादा ज्यादा ज़हमत दे के जनाब इलामा साहब गलू साहब को मेंबर दे लें। कसम कुरान दी, मां भी घर तो बहर आई ते हिसाइयां हया कीता, और धी भी जदन छतियां शहरां चो गुजर के गई ते सिर्फ हिसाइयां ही हया कीता। मैं गुजारिश कीती है कलू साहब नो, वो साहब तो सुनाएंगे, ज़रा सुना लेंगे। चलो दो शोबे होंगे ने, फजायल होंगे मुसाहब होंगे, फजायल मैं जरा ज्यादा पढ़ देना, मुसाहब जरा ज्यादा पढ़ देंगे। मिशन थी कोई है, गलती कोई है, वेड़ा भी कोई है, असूल भी कोई। वैसे भी जरा बंदा बाद चो पढ़े मुसाहब ज्यादा हक है उसका, जाकरी असूल चो उसके वास्ते मसायब पहला खतीब जड़ा है वो इतनी सख्ती ना करे, इतना तशद्दद ना करे, इंतहा पसंदी ना करे, जिक्र नो जिक्र रान देवे, इसनों मुकाबला। असूल अच्छी चीज है, असूल अच्छी चीज है। छत्तीस शहर चो अली दी धी गुजरी, एक शारे दायरे रहा है, और ये मुसलमाना का नहीं शिमर गया है, कौम ने इकट्ठिया किया, ईसाइया ने इकट्ठा आख्या इतने साड़ी आबादी कोई नहीं, असा एक बागी मारिया है उसके बच्चे कैद करके लै आए हैं, साड़ी आबादी कोई नहीं, उन्होंने दो दो पत्थर मारो, अपने पैसे ले लो उजरत ले। फितरी तौर पर ईसाई कौम शुरू तो मुहक्कक है, मुहक्कक असी अफवाह मनने वाले लोग हाँ, मुसलमान सुनी मन तहकीक नहीं, उन्होंने शुरू तो आदत है कोई गल भी है तहकीक, हूं तक उन्होंने असूल है जब तक जुर्म ट्रेस ना हो जाए वो बंदा नहीं पकड़ा। इस वक्त भी उन्होंने अदालत का कारण कि बगैर सबूत दे बंदा क्यों पकड़े,
जिस वक्त उन्होंने किया कि असा बागी मारिया है, ये है वो है। ईसाइया क्या जनाब असी तो तुम जानते नहीं तुम कौन, आओ साढ़े पादरी को चलो जो फैसला पादरी करेगा असी अमल कर। तो कौम शिमर नू लैके कलीसे चाई गिरजे चाई, तो पादरी ने क्या ये कौन है अजनबी, उन्हें कहा जी इसकी गल सुनो। शिमर ने अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह एक साढ़े नाल लड़ाई हुई है, एक असा एक बागी मारिया है, उसकी फौज मारी है, उसकी औरतों के बच्चे असं कैद कर लाए हैं, साड़ी इतने आबादी कोई नहीं, साड़ा दिल है किसी शहर चो इज्जत नाल ना गुजरन, दो दो पत्थर उन्होंने कोई मार दे। तो मैं अजर उजरत देने को भी तैयार हाँ। पादरी पूछया मेरा पहला सवाल, मैं थोड़ी तहकीक करांगा, मरण वाले कौन ने मरीवन वाले कौन ने? उसे कहा जी मरण वाले भी मुसलमान मरीवन वाले भी मुसलमान, हिस्सा ही नहीं। उसे कहा ठीक, मरण वाले हैं कितों दे? आके शाम उस कौम नू आके पत्थर ना मारिया है, मैं पहले तहकीक कर दौ इना शामिया की प्यू दादे तो आदत है, जदन भी उजाड़ते ने किसे शरीफ का घर उजाड़ हाय हाय हाय। मैं पहले पता करा मरी बना ले, लिहाजा ये बाजार आया पहली सांग ते इमाम हुसैन नसर सर सिपाही ना जरा सर जिका कर, सिपाही सर जिका किया है बदबू ना ही खुशबू आई। शिमर ना कितने दिन हो गए मारिया? कहता काफी दिन हो गए। कहता इतने दिन मरण के बाद सर खराब नहीं होया, बदबू नहीं आई, कलमा के पढ़ना है? शिमर आख्या कलमा तो मैं मुहम्मद का पढ़ना। पादरी भरे बाजार चो आता है तीन मुहम्मद का वास्ता है, झूठ ना बोली, सही दसो किस नबी का घर उजाड़ के लाया है? वो किस नबी का बेड़ा उजाड़ के लाया है? कहता नहीं जी हुकूमत लेना चाहता आई, असर इस बड़ा समझाया है, इनू आ गवर्नरी आखिए ले लै, इस रकबा आखिया ले लै, ये आंदा ही नहीं मैं तख्त लेना है। जंग हुई है, जंग सानू फतह हो गई, इस पादरी आंदा ठीक है मैं तेरी गल अजे तस्लीम नहीं करता, सुन लीए मैं तेरी, मैंने इसकी फौज विखा। मैं तुम कल भी दस्या कि मनकूलात के हवाले नाल गलू साहब ने अपना बौड़ा बौड़ी स्टडी कर ली, थोड़े उम्र च बहुत ज्यादा स्टडी कर ली ये मनकूलात के हवाले। ये तायद कर देंगे मेरे तो छोटे ने मगर साहब इलम ने, ज़ईफ काफी शहीदां करबला, इनके जवाना नालों ज़ईफ ज्यादा बन गए, जवान तो चंद एक ही बन गए, बाकी तो ज़ईफ। कुछ असहाबे रसूल आन, कुछ मौला अली दे असहाब आन, कुछ सरकार हसन दे असहाब आन, कुछ इमाम हुसैन दे हबीब इब्ने मज़ार सरकार दे असहाब, ये रसूल दे भी साढ़े इमाम हुसैन, कुछ बच्चियां दी तादाद 9 साल 11 साल 13 साल। जिसे ज़ईफ़ा ते नजर पई ना पादरी दी, ऐसा कहते बुढ़े बंदे ने लड़न के काबल ही नहीं है, तो फौजी फौज की उम्र ही नहीं है, तो फौज हो ही नहीं सकती, यदि फौज जवान कोई नहीं। शिमर आंदा आ मैं फिर तेन जवान वेखावा, तू अल्लाह की कायनात तो एडा सोहना जवान वेखी ना। शिया बंदे ते दुख लगेगा, सुनी भाई ते दुख नहीं लगेगा, वो घर सुनते हैं, तो तुम तो मां की जोड़ी जो मसायब सुन लगे हो, जे तुम नहीं समझोगे तो फिर मैं जुमला किसनों सुनागा? जदने आया ना जनाबे अली अकबर की सांग दे थले बेतहाशा रो के आंदा है, वो चौदहवीं का चंद
मेरा दिल वस च नहीं रहा, मैं एक बार दुआ कर लगा, नाराज ना होवी। अली अकबर दे सर नूं मुखातब हो गया, बस दुआई प्या करना, खुदा करे तेरे कतल तो पहले तेरी मां भी मर गई होवे, तेरी बहन भी मर गई। उस मां की कोई जिंदगी नहीं जिदा तेरे जिदा सोना पुत्र। पिछों मस्तूर चो एक कैदन की आवाज आई, भला होवी इंज ना आख मैं शिमर दियां झिणकां भरी जलनी, मैं नाल आई हुई हाँ, मैं रोवण नहीं। यकदम पादरी दे तेवर बदले, कहिंदा जनाब सिर्फ इतना दसो ए उसका की लगता है, वह जिहड़ा पहली संगत शिमरां दा ए पुत्तर है वो प्यो है। इमाम हुसैन की सांग थले फिर दोबारा आया, दोबारा क्या आता है, हुण दुख पिया लगता है तेरे ते, अग लाने आई तखत नूं एडा सोहना पुत्र मरा गया। तस्से लबिले फरमाया ताने ना दे, तखत दी गल ना ही दीन ना ही बचदा, तौहीद ना ही बचती, नबियां दी मेहनत ना ही बचदी। सदारा वो पादरी अगे आया, सर वेंदा आया है रोंदा आया है वेंदा आया है रोंदा, लाहौरा लियाओ मैं अली दे आखरी सईदे दी कसम है, आखर ते डिठा की ये सांग वड्डी है सर छोट। मरहबा मरहबा जिहड़ा बंदा नहीं समझेगा उस ते मैन तकलीफ होएगी, मैन दुख लगेगा। मरीज आदमियां एडी मुहब्बत नाल तुहानू मैं सुणन, जदन अली असगर दे सर ते नजर पई आंदा है, मैं ईसा दी कसम चा के आना, जंग नहीं होई जुलम होया। ओए ओए ए ना तीर चा सकदा है, ना टुर सकदा है, ना नेजा जा सकदा, मेरी अकल काम कर दी, इन मां लै के बैठी आई या बहन जा के खलोती, आज कोई ये दा होंदा मैं पुछदा इन क्यों मारिया, मैं तारीख च लिख देंदा नालियां नस्लां पता लग जा। पादरी दी गल करनी आई, रस्सी एक आई गल ना आए, इना नवा मसूरां च हुसैन दी धी भी कैदा होई। सकीना दी आवाज आई, फुफी अम्मा अगे तेरे फिरा दा पुछ दिया इन, हुण मेरे फिरा दा। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, फुफी इजाजत होवे ते मैं दस लवां मेरे असगर नूं क्यों मारे। आवाज आई इजाजत, लफ्ज़ मातम दा है, गो मर्जी जनाब दी अपनी है, जबर मेरी जाकरी च नहीं, पैदा करने वाले की कसम। जदन फुफी इजाजत दिती, मासूमा की आवाज आई, जे मुसलमान ना है ती अखी बंद करके आ, मैं दसनिया क्यों मारिया। मुंह ते पिट के आदा है, मेरे पक हो गया है, कोई शरीफ उजड़ गए। ओ बेगैरता हो जिन्हां दी चौं सालां दी एडी परदेदार है, उन्हां दियां जवान केड़ियां परदेदार हो। अखी त्याद रख के गरीब आके आंदा, बच्चा पहले दस तेरा नां की है, सकीना वतन मदीना। आदा है तेरे बाबे दा नां हुसैन। मुंह ते पिट के आंदा, बच्चा माहौल बाजारी है, महसूस ना करी मैन कोई बोल पै गए, तेन अल्लाह दा वास्ता है, मैन दस तेरे बाबे दी मां दा नां की है। आवाज आई फातिमा जहरा, ओदा एक तां ओ आई जेड़ी मुबाला च गई आई, फरमाया मैं उसे दी पोतरी है, मेरे हिस्से दा वीरे, इस पानी मंगिया है उना तीर मरिया। सुले अल्लाह मुहम्मद वा आले मुहम्मद।
चेचे जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह नकवी साहब दो मजाले से अजा के ऐलानात भी समाप्त फरमा लें कि आज से बाद नमाज मगरबैन इमाम बारगाह गुलशे ने अब्बास अलैहिस्सलाम नेक कलोनी बंद रोड बिल मुकाबल थाना नवाकोट पांच रोजा मजाले से अजा बरपा हो रही हैं जिसमें रोजाना ठीक रात आठ बजे रात सात बजे जनाब अल्लामा अब मोहम्मद अफजल हैदरी साहब जलवा फरोजे मिंबर होकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। दूसरा ऐलान 6 अप्रैल बरोजे इतवार बमकाम मौजा खम्बा वापडा टाउन लाहौर में मलक जुल्फकार अली डोगर के जेर तमाम सालाना मजलिस अजा हो रही है जिसमें हसबे साबक मुल्क के नामवर उलमा इकराम व जाकरीन अजाम जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। तो अजादारान मजलूम करबला अब आपके सामने मुबल्लग मजहब हक्का शहनशाह जिक्र फजाइल मुसाहिब मोहम्मद व आले मोहम्मद जनाब